लोगों के मन में नरक के दरवाजे यानी कि डोर टू हेल को लेकर कई सवाल हैं। दुनिया भर के असंख्य दरवाजों में नरक का द्वार ही एकमात्र ऐसा है जो किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन उसके लिए मन में उत्सुकता काफ़ी है। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में वास्तव में एक नरक का दरवाजा है तो आप यकीन नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य। एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल 80Fact1 में स्वागत है। आइए चलते हैं। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान को नरक का दरवाजा माना जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बने इस गड्ढे में एक गैस क्रेटर है जिसमें मीथेन गैस की वजह से आग निकल रही है। अपने इसी रहस्य के चलते यह जगह सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 70 के दशक की शुरुआत में यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता चला। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था। इसे दूर करने में गैस के भंडार से मदद मिल सकती थी। प्राकृतिक गैस निकालने की होड़ में 1971 में यहाँ एक बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से यह गड्ढा बना जिसे आज डोर टू हेल कहा जाता है। हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सारे सिरे में आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के ख़त्म होते ही आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पूरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन वह आग आज भी ऐसे ही जल रही है। आपको जान के हैरानी होगी, जिस गड्ढे में आग जल रही है वह 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इससे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की बदबू काफ़ी दूर तक फैलती रहती है। यह आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर ऊंची उठती रहती हैं, साथ ही गड्ढे के भीतर खोलती हुई मिट्टी भी दिखाई देती है। होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।